उदाहरण छह, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भाव एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचाई है एक भवन की, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब वो खड़ा था तब उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब वो भवन की तरफ जा रहा है तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला है। वह भवन की ओर कितना चला है मतलब यहाँ खड़ा था और यहाँ तक आया है ना, ए से लेकर डी तक। तो ये वाली जो दूरी है उसको हमें बताना है। अब एक और चीज़ दिया है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर खड़ा है, मतलब कि ये जो भवन का ऊंचाई है वो है 30 मीटर, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। उस दूरी को नहीं दिया है, ये पूरी जो दूरी है ए और सी, उस दूरी को नहीं दिया है जहाँ पे वो लड़का खड़ा है, लेकिन वह यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण हो जाता है, ये बताया है। इसी दूरी को पूछा है कि वो कितना दूरी चला, तो कोण में बदलाव आया ये पूछा है। ठीक है, माना कि बी सी भवन है, बी सी एक भवन है। इस चित्र, ये चित्र दिया नहीं रहेगा प्रश्न में, है ना, सिर्फ ये प्रश्न दिया रहेगा। इस प्रश्न के आधार पे आपको ये चित्र बनाना है और चित्र बना करके फिर हल बनाना है उसका, है ना। तो माना कि बोल रहा है एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, एक भवन बोल रहा है, एक आदमी खड़ा है बोल रहा है थोड़ी दूरी पे, तो एक भवन को एक त्रिभुज का लंब बना लेंगे और आधार बन जाएगा वो दूरी जहाँ पे वो लड़का खड़ा है। ठीक है, तो बी सी एक भवन है तथा बिंदु ए पर एक लड़का खड़ा है, तो बी सी को और ए सी को मिला के एक कोण बना। अब भी फिर बी और ए को मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा, और ये एक से बी का शिखर का जो दूरी है वो क्या है, उस लड़के की दृष्टि दूरी है, है ना। वो लड़का यहाँ खड़ा होके देख रहा है तो वही दूरी बी और ए की दूरी है। ठीक है, तो बी सी 30 मीटर है, दिया हुआ है कि भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी और ए सी और या फिर ए बी और सी में, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में कोण ए का मान है 30 डिग्री, है ना। तो दिया हुआ है कि जब ए पर खड़ा था वो लड़का तो उस वो उन्नयन कोण बना रहा था 30 डिग्री का। ठीक है, हमें ये दूरी पता है, ये दूरी निकालनी है, है ना। तो लंब पता है, आधार निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला, थीटा की जगह में है 30 डिग्री, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। लंब है बी सी, आधार है ए सी, पूरी दूरी को अगर हम ले तो 30 डिग्री, टेन थर्टी पे वैल्यू होता है 1/√3। बी सी का मान दिया हुआ है 30, ए सी का मान निकालना है, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, ए सी बराबर 30√3 मीटर मिला, है ना। पूरा ए सी, पूरा के पूरा दूरी क्या मिला हमें, 30√3 मीटर। हमें पूछा है कि ये दूरी बताइए कि वह लड़का यहाँ से लेकर यहाँ बिंदु डी तक आया तो कितना दूरी चल के आया होगा, ये पूछा है। पुनः देखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जब वो लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो उसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये पूरी दूरी पता है, ये दूरी निकालनी है, तो इसमें भी हमें लंब पता है, आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार मतलब कि सी और डी का मान मिलेगा, हमें पूरा पता है, सी और ए का मान पता है, सी और डी जब मिल जाएगा तो ए और डी की दूरी हमें मिल जाएगी। कैसे, सी ए सी से सॉरी सी या ए और सी की जो दूरी है उससे सी और डी की दूरी को घटा देंगे तो हमें डी और ए की दूरी पता चल जाएगी।
ठीक है, तो इस वाले कोण में भी टेन 60 डिग्री लेने पे ये वाला जो कोण बना है, जब वो लड़का यहाँ से डी बिंदु पर आया तो डी बिंदु पर जो कोण बना है 60 डिग्री, उसके लिए टेन 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है बी सी अपॉन आधार है सी डी, इस कोण के त्रिभुज के लिए सी डी उसका आधार हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, टेन 60 पे वैल्यू होता है रूट ओवर 3, और सी डी हमें निकालना है ना, तो अतः सी डी त्रिया गुणा करने पे सी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 अपॉन रूट ओवर 3, रूट ओवर 3 अपॉन में चला गया है ना, तो 30 अपॉन रूट ओवर 3 ये मिल गया सी डी की दूरी है ना। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, सी डी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट ओवर 3, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3 लिख सकते हैं क्या इसको, कैसे कैसे है 10 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3, 30 को कैसे बदले हम, 10 इंटू 3 करने पे मिलेगा 30 मिलेगा अपॉन रूट ओवर 3, इसको और मॉडिफाई करें हम तो 10 इंटू 3 मतलब 30 अपॉन रूट ओवर 3, 3 को रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3 लिखा जा सकता है, अतः सी डी इज इक्वल टू 10 इंटू रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 3, इसको हम तोड़े क्योंकि हमें ऊपर नीचे रूट ओवर नीचे हम रूट ओवर 3 है तो कटाना है, इसलिए रूट ओवर 3 कैंसिल हो गया, तो 10 रूट ओवर 3 ये हो गया सी डी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू मिला 10 रूट ओवर 3, और पूरा ए और डी का वैल्यू था, ए से सी की वैल्यू था मतलब दूरी का मान था क्या था, 30 रूट ओवर 3, तो हमें क्या चाहिए, डी और ए की दूरी चाहिए, पूरी दूरी से हम सी और डी की दूरी को घटा देंगे तो 30 रूट ओवर 3 माइनस 10 रूट ओवर 3 करने पे हमें मिलेगा 20 रूट ओवर 3, 30 से 10 को माइनस कर दे, रूट ओवर 3 दोनों में सेम है इस वजह से घट जाएगा, अतः हमें डी और ए की दूरी मिल जाएगी, अतः लड़का भवन की ओर 20 रूट ओवर 3 मीटर चला होगा, ये दूरी किस में मिली है, मीटर में, ठीक है, यही निकालना था। अब देखते हैं अवनमन कोण, आइए एक अन्य परिस्थिति पर चर्चा करें, रमा अपने घर की बालकनी में खड़ी है और उसके घर के तरफ आती हुई कार को देख रही है, इस स्थिति में क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है आकृति 12, रमा अपने घर की बालकनी में खड़ी है और उसके घर के तरफ आती हुई कार को देख रही है, इस स्थिति में क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा सीधी रेखा मतलब की, और ये है दृष्टि रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या है उसकी, दृष्टि रेखा, तो इन दोनों के बीच जो बना कोण है उसी को कहेंगे अवनमन कोण। अब यदि यह कार घर के और पास आ जाए, आकृति 12 में ही देखते हैं, तो उस स्थिति में अवनमन कोण में क्या परिवर्तन होगा, पहले यह कार यहाँ पे खड़ी थी, यह है क्षैतिज रेखा है ना, पहले एक कार यहाँ पे खड़ी थी तो ये जो ऊपर में जो रमा लड़की खड़ी है वो कार की तरफ अगर देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है, पहले क्या स्थिति होता था उन्नयन कोण में ऊपर की तरफ देखते थे है ना, नीचे से ऊपर की तरफ देखते थे क्योंकि बिल्डिंग या फिर कोई सीढ़ी या कोई ऊंचाई को की ऊपर की छोर को शीर्ष को देखना रहता था, अब ऊपर से नीचे की तो ओर देखना है, तो अवनमन कोण क्या बनता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है ना, तो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को अवनमन कोण कहेंगे, तो दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज रेखा के बीच ये कोण बन रहा है, तो पहले वो कार यहाँ पे खड़ी थी है ना, इस दूरी पे खड़ी थी, तो कोण कौन सा बन रहा था, क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच कोण बन रहा था बीटा है ना,
दृष्टि रेखा के बीच। उसके बाद जब कार यहाँ पे आ गई तो ये है क्षैतिज रेखा और ये है दृष्टि रेखा और ये है क्षैतिज रेखा, इसके बीच कोण बना फिर अल्फा, है ना। तो पहले बीटा कोण बन रहा था, फिर उसके बाद कोण में वृद्धि हो गई, अल्फा बना। तो पहले कोण छोटा बन रहा था, उसके बाद जब कार नज़दीक आई तो कोण बड़ा हो गया, है ना। तो क्या परिवर्तन आएगा, पहले जब कार अगर दूर पे है खड़ी है तो कोण छोटा बनेगा, और जब कार नज़दीक आएगी तो कोण की मान जो है बढ़ जाएगा। कोण अल्फा व बीटा में क्या संबंध होगा, क्या कोण अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यस, या फिर कोण अल्फा इज लेस देन बीटा, नो, या फिर कोण अल्फा इज इक्वल टू बीटा, नो। आप देख सकते हैं कि कार व घर के बीच की दूरी कम होने पर अवनमन कोण का मान बढ़ जाता है, हाँ ना। जब जैसे जैसे कार की दूरी घर से ज़्यादा है तो अवनमन कोण का मान कम है, और कार अगर घर के नज़दीक आते जा रहा है तो अवनमन कोण का मान बढ़ रहा है, अर्थात बढ़ता जाता है जैसे जैसे कार नज़दीक आता है। अतः हम कह सकते हैं कि अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा। पहले जो कोण बना था बीटा वो कम हो गया अल्फा से, है ना, कम होगा अल्फा से। अल्फा मतलब कि बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नज़दीक आएगा। सोचे और चर्चा करें, आकृति 12 में यदि कार रमा के ठीक नीचे आ जाए तब अवनमन कोण क्या होगा, ठीक नीचे आ जाए तो अवनमन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, इस कोण को, इस चित्र को देखें हम, ये को कार आते आते सीधा सीधे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे रमा खड़ी है तो सीधा बनेगा, है ना, सीधा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा कोण, है ना। तो अतः समकोण बनेगा। अब उसी प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है, भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तीस डिग्री है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण, भवन के शिखर से, इस भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यह है भूमि, भवन का शिखर, और यह है भूमि जिस पर गमला रखा हुआ है, उस पर अवनमन कोण बन रहा है। भवन के शिखर से अगर कोण हम देखते हैं तो 30 डिग्री अवनमन कोण हमारा बन रहा है ना। तो यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर हो, ये जो दूरी है भवन का, जो पाद बिंदु से गमले का जो दूरी है वो दिया हुआ है 30 मीटर है, ऐसा बोल रहा है ना। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये भवन की कितना ऊंचा रहा होगा ये बताना है हमें। उदाहरण, माना ए बी एक भवन है और बिंदु ओ एक गमला है। अवनमन कोण कोण एक्स ए ओ ये हो जाएगा अवनमन कोण हमारा, है ना। यहाँ एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है, इस क्षैतिज रेखा से ये जो कोण बनती है हमारी दृष्टि रेखा पर वो कोण होती है अवनमन कोण। तो एक्स ए ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और कोण ओ बी ए ओ बी या फिर कोण ए ओ बी भी 30, सॉरी एक मिनट, दूरी जो है ओ बी वो है 30 मीटर। 30 डिग्री कोण है अवनमन कोण, दोनों तरफ से देखें तो एक ही रेखा पर बने कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, है ना। तो दूरी दिया हुआ है ओ बी का, गमले से भवन की दूरी है, भवन के पाद बिंदु की दूरी है 30 मीटर। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए ओ बी के, कोण एक्स ए ओ बराबर है ए ओ बी के, है ना, क्योंकि ये जो अवनमन कोण बन रहा है वो एक ही रेखा पर बन रहा है। तो अतः क्षैतिज रेखा से ये वाला जो कोण बन रहा है वो दोनों
बराबर है इज इक्वल टू 30 डिग्री। एकांतर कोण त्रिभुज ए ओ बी में, एकांतर कोण एक जैसे कोण मतलब एकांतर कोण त्रिभुज ए ओ बी में देखते हैं, हमें ये पता है मतलब आधार पता है इस त्रिभुज के लिए, आधार हमें पता है, लंब निकालना है तो टेन वाला ही फार्मूला लगेगा, टेन 30 डिग्री, थीटा की जगह हम क्या है 30 डिग्री, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब है ए बी आधार है ओ बी, ठीक है। टेन 30 पे वैल्यू क्या होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, ओ बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30 मीटर है ना, तिरिया गुणा करने पे 30/√3 बराबर ए बी। अभी अभी हमने सॉल्व किया था कि 30/√3 इज इक्वल टू क्या होता है 10√3 है ना, तो ए बी का मान हमें मिल जाएगा मतलब भवन की लंबाई मिल जाएगी 10√3, 10√3 मीटर है ना, 10√3 मीटर ए बी, अतः भवन की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 8, उसके बाद उदाहरण 9। उदाहरण 8 क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भूमि की भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक प्रकाश स्तंभ है ना, एक प्रकाश है जो आ रहा है कि शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण, चित्र दिया हुआ है यहाँ देखिए, माना कि पी क्यू एक प्रकाश स्तंभ है, पी और क्यू एक प्रकाश स्तंभ है मतलब कि एक प्रकाश आ रही है पी और क्यू, ठीक है प्रकाश स्तंभ है, और क्या माना है इससे एक्स मीटर दूरी पर एक भवन ए बी है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, इससे एक्स की दूरी पर एक भवन स्थित है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, एक्स मीटर की दूरी पर एक भवन स्थित है बी ए बी, एक भवन स्थित है ए बी इसकी ऊंचाई है 12 मीटर, ठीक है। अतः क्यू बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर, क्यू बी इज इक्वल टू एक्स मीटर और ए बी बराबर 12 मीटर है। प्रकाश स्तंभ के शिखर से, प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर तल, शिखर व तल के शिखर व तल का अवनमन को क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री, प्रकाश भवन के सॉरी प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर व तल पर, शिखर मतलब कि भवन के ऊंचाई मतलब सबसे टॉप फ्लोर मतलब शीर्ष पर और उसके पाद बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है क्रमशः, प्रकाश के ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर वाला पॉइंट से, तो ये प्रकाश इस रेखा से यहाँ पे ये हो गया स्तंभ पे, ये हो गया तल पे, पहले 45 डिग्री बना रहा था फिर 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर व तल पर अवनमन को 45 डिग्री और 60 डिग्री है, अतः कोण ए पी एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री तथा बी पी एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ए पी एक मिनट ए पी एक्स हाँ ए पी एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री और
BPX इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अवनमन कोण, अगर हम इस प्रकाश स्तंभ से क्षैतिज रेखा अगर खींचते हैं तो ये जो दो रेखाएं प्राप्त हुई हैं उससे हमें कोण मिलेंगे APX इज इक्वल टू 45 डिग्री और BPX इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। इस क्षैतिज रेखा पर हमें दो कोण मिलेंगे। एवं माना PR इज इक्वल टू है H है ना, क्योंकि हमें पूछा ही है वही है कि तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ के भवन की दूरी ज्ञात करना है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है ना, ये PR इज इक्वल टू है H, माना कि PR इज इक्वल टू एक्स एच है। तो समकोण त्रिभुज ए पी आर ए में निकालना क्या है हमें, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी। ये जो ऊंचाई है टोटल, ये ऊंचाई निकालनी है हमें और इस प्रकाश स्तंभ से जो भवन की दूरी है एक्स है, उसका मान निकालना है। तो मान लिए हम कि पी आर इज इक्वल टू है एच, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू एच पता है, ये दूरी पता है एक्स है करके, तो सॉरी पी आर पता है तो ये जो एक्स की दूरी है वो मिल जाएगी लंब बटे आधार से 10 45। इसके लिए 45 डिग्री कोण है ना। यहाँ पे ये वाले जो कोण बन रही है इस रेखा पर, इसी रेखा पर एक और कोण बन रहा है वो हो जाएगा 45 डिग्री। उसी प्रकार से ये वाला जो कोण बना है ना वो 60 डिग्री है, तो ये वाला रेखा पर भी बनेगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 10 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, पी आर बटे आधार है ए आर है ना। तो पी आर का मान कितना है एच, मान लिए कि पी आर इज इक्वल टू एच 10 45 पे डिग्री पे वैल्यू होता है 1 ए आर है ना। तो ए आर इज इक्वल टू मिल जाएगा एच ए और आर एच इज इक्वल टू एक्स टेन 45 इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए आर है ना। तो पी आर का मान हमें पता है 10 45 में वैल्यू होता है 1, पी आर इज इक्वल अपॉन ए आर का मान हमें पता है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा पी आर है ना। और हमें हमने माना है पी आर को एच माना है, अतः एच इज इक्वल टू एक्स। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू और बी में, इस वाले कोण में देख लिए, अब इस वाले कोण में देखते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में 60 अंश का जो कोण बना है उसमें हमें ये वाली दूरी जो पता है लंब आधार पता है लंब मिल निकालना है, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है पी क्यू और आधार है क्यू बी। 10 60 पे वैल्यू हम होता है पता है कि रूट ओवर 3 होता है। पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू एच अच्छा हाँ ये हो गया एच और ये भवन की दूरी था 12 मीटर, तो ये भवन की दूरी यहाँ पर भी 12 मीटर होगी है ना। तो पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा पी
और क्यू एच प्लस 12 अपॉन ये क्यू बी की दूरी तो दिया हुआ है एक्स, मान लिए हैं कि क्यू और पी मतलब कि भवन से प्रकाश स्तंभ की दूरी है एक्स, मान लिए त्रिगुणा करने पे क्या मिलेगा 3x रूट ओवर 3x इज इक्वल टू एच प्लस 12 है ना। अब x का मान रखने पर x का मान हमें मिला यहाँ पर से h, तो रूट ओवर 3 इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस 12 रूट ओवर 3h इज इक्वल टू एच प्लस 12 है ना। अब ये h इस तरफ आया तो मिल गया रूट ओवर 3h माइनस h इज इक्वल टू 12, दोनों से h कॉमन ले लिए रूट ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू मिला 12 अपॉन रूट ओवर 3 माइनस 1 ये मिला। अब इस प्रकार से हमें h का मान मिल जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिला 12 अपॉन रूट ओवर 3 माइनस 1 इंटू रूट ओवर 3 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस 1, 12 रूट ओवर 3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र से है ना, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 12 रूट ओवर 3 माइनस प्लस 1 अपॉन 2, दो एक कम दो, दो छः का 12 क्या आया 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 मीटर, एच इज इक्वल टू 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 मीटर ये हो गया। ये सिर्फ एच का वैल्यू मिला ना, एच का मान, और यहाँ पे मिला है हमें 12, तो 12 है इसका दूरी, टोटल दूरी हमें मिल जाएगी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू है ना, होगा पूरा पूरा पी क्यू का दूरी पी आर प्लस आर क्यू, और पी आर का मान है एच धन क्यू आर, आर क्यू का मान है 12, आर एच का मान मिला हमें यहाँ पर से 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 प्लस 12 इस भवन का दूरी था, तो पी आर का सॉरी आर क्यू का वैल्यू भी 12 होगा। अब जोड़ने पे 6 रूट ओवर 3 प्लस 6 प्लस 12 है ना, 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 6 रूट ओवर 3 प्लस 18 दोनों में से 6 कॉमन निकला, तो पी क्यू इज इक्वल टू 6 कॉमन निकला रूट ओवर 3 प्लस 3 क्षेत्रिक 18, 6 रूट ओवर 3 प्लस 3 ये हो गया पी क्यू का मान, पी क्यू का मान मतलब कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। अब क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एच है इसलिए एक्स इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 होगा, यहाँ पे h का मान क्या मिला है 6 रूट ओवर 3 प्लस 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 किया जा सकता है ना। अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मिला है 6 रूट ओवर 3 प्लस 3 मीटर, तथा भवन की दूरी जो हम x माने थे वो मिला है 6 रूट ओवर 3 प्लस 1 मीटर होगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा है ना। इसके बाद दिया हुआ है उदाहरण 9, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे।